of cross cultural psychology. With within this subject, हमने जितने concepts किए हैं बेसिक concepts, इसकी थेरी इसके methods, इसके बाद इसके बारे में uh, socialization, development डेवलपमेंट personality theories, concepts ऑफ रियलिटी concepts ऑफ गॉड अब जब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं तो अब हम एक नई थीम है हमारी कोर्स आउटलाइन में जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी और इसमें हम सबसे पहले जिस एप्लीकेशन जिस एरिया में बात करेंगे वो है हेल्थ तो क्या हेल्थ पे भी कोई कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमने पहले भी ये बात की थी कि बॉडी एक ही तरह है सब इंसानों की लेकिन वो जिस जगह पैदा हुए जो खाते पीते हैं जिस माहौल में रहते हैं उसके हिसाब से बॉडी वहाँ के हिसाब से करती है और उस इलाके के लोग उसी तरह के हो जाते हैं इस चीज़ को कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं तो कल्चरल साइकोलॉजी में जो एक और जो एप्लीकेशन हुई है उसके बेसिक नॉलेज और कॉन्सेप्ट की वो एरिया ऑफ हेल्थ में है तो रिसर्चर्स ने इस पर काफ़ी काम किया है हेल्थ का मतलब ये होता है कि हम कितने हेल्दी हैं हम हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं और जब हम हेल्दी नहीं रहते या बीमार होते हैं तो तब हम क्या करते हैं तो कल्चर इन तीनों एरियाज़ पे असर डालता है किसी कल्चर में हेल्दी होने का मतलब ये है कि वो इंसान 12 घंटे काम करे वो दौड़े वो फ़िज़िकल लेबर करे और किसी कल्चर में हेल्दी होने से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है वह आम बात है कि कोई सर में दर्द ले रहा है और कोई सुस्त होकर बैठा हुआ है तो हेल्दी होने के जो कॉन्सेप्ट है वो भी कल्चर और सोसाइटीज़ में थोड़े बहुत फ़र्क हो सकते हैं फिर हेल्दी रहने के लिए हम क्या करते हैं इस पर भी कल्चर का असर होता है और बीमारी जब आ जाती है और हम उस हालत में नहीं रहते परफेक्ट हेल्थ की तो तब हम क्या करते हैं और इसमें भी कुछ ना कुछ कल्चर्स में फ़र्क है और कुछ चीज़ें एक ही जैसी हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह कल्चर हेल्थ को समझते हैं डिफाइन करते हैं और कंसेप्चुलाइज करते हैं उसमें बड़ी डाइवर्सिटी है और बड़ी सरप्राइजिंग डाइवर्सिटी है मसलन क्या हेल्थ जो है वो सिर्फ मर्ज का ना होना है यानी इज़ हेल्थ द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ यानी अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो क्या उसका ये मतलब है कि आप हेल्दी हैं एक ये बड़ा अहम सवाल है जो कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में हेल्थ के परस्पेक्टिव से पूछा जाता है इसमें कल्चर फर्क हो सकते हैं कि हेल्थ को क्या समझा जाता है फिर क्या हेल्थ का कोई बड़ा मतलब है बहुत ब्रॉड हॉलिस्टिक नोशन भी है इसकी जैसे एक इंसान की ज़िंदगी में जो बैलेंस है उसके रूह उसके जिसम उसके जहन उसके सोशल ताल्लुक उसकी इन्वामेंट उसके मौसम उसकी लाइफ जो एक उसकी एक्टिविटीज़ सोशल कितनी है वो ख़ुद को कितने साथ हैं अपनी तो वर्क में क्या है और होम में क्या है वो किस तरह टाइम दे रहे हैं तो अ हेल्दी बैलेंस लाइफ मीन्स हेल्थ एंड दैट्स अ होलिस्टिक नोशन इन सम कल्चर्स हेल्थ इज़ आ होलिस्टिक नोशंस इन सम कल्चर्स हेल्थ सिंपली मीन्स कि आप बीमार नहीं हैं तो आप समझ लें हेल्दी है तो सेहतमंद होने से क्या मुराद होती है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस तरह जिसम रूह और जहन होता है इस तरह सेहत भी जिसम की रूह की और जहन की होती है तो ये भी हॉलिस्टिक नोशन है कि अगर मुस्लिम साइकोलॉजी में हेल्थ का एक तस्वर जो है वो ये है कि जब आपके जिसम और रूह में और उनके तकाज़ों में तोज़ुन हो तो इस तवाज़ुन का नाम ही जहनी सेहत है ये मौलाना अशरफ अली थान भी ख़ास तौर पर इस पर पे बड़ा ज़ोर देते थे कि ये जो बैलेंस है जो इक्वेब्रियम है ये सेहत है कल्चरल इंसाइट जो है वो मेंटल हेल्थ में भी बहुत समझने की उसको ज़रूरत है और जो इंडिजनस पापुलेशन होती हैं हर इलाके के जो पुराने रहने वाले लोग होते हैं जैसे अफ्रीकन पुराने ट्राइब्स हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कैनेडा और अमेरिका में जिनको रेड इंडियन कहते थे इंडिजनस पीपल है तो उनके भी हेल्थ के नोशनस जो हैं वो काफ़ी फ़र्क होते हैं मॉडर्न सोसाइटी से रिसर्चर्स ने बहुत से इंटर रिसर्चर्स ने इस पर काम किया है एंथ्रोपोलॉजी भी मेडिकल साइंस भी साइकोलॉजी भी क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ भी और उन्होंने हेल्थ को समझने के लिए कि नॉन वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं जो मगरबी कल्चर नहीं है, उनकी परसेप्शंस क्या वेल वेलबींग uh, well की तो वेस्टर्न बायोमेडिकल जो अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ वही अकेला तस्वुर नहीं है हेल्थ का और बीमारी का तो इसके ऊपर काफ़ी अब एग्रीमेंट हो चुकी है कि बाकी भी तस्वुरात हैं फिर मुख्तलफ़ किस्म की हेल्दी रहने के लिए चीज़ें होती हैं जो बीमारी के अलावा हेल्दी रहने के लिए लोग ले रहे होते हैं ठीक है उसके बारे में हर कल्चर में तस्वुरा हैं उसके बारे में हर कल्चर में बिलीव्स निहार मुंह क्या खाना चाहिए शहद कब लेना चाहिए किस चीज़ का बीज जो है वो आपको घर बैठे एक तोानाई देता है कौन सा खाना जो है वो बच्चे को देना है कौन सा खाना जिसका बच्चा हुआ है उस खातून को देना है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ सीज़न् में किस किस्म की फ़ूड होती हैं तो इसमें हर्बल मेडिसिन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर कल्चर में होती थी और मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन में वो बहुत कम हो गई है लेकिन अब वो उसको समझते भी हैं और वो भी उसको कई दफ़ा जो जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ उनके बारे में जानते हैं और उसके सप्लीमेंट्स या उसकी बने हुए पाउडर या उसका अर्क जो है वो मिलता है तो इसका जो हीलर्स हैं वो बीमारी है क्या उसका डायग्नोसिस उसकी एवेलन और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में ये मुख्तफ़ किस्म के हीलर्स करते हैं और वो ज़रूरी नहीं कि वो हीलर्स वही हों जो जिनको हम डॉक्टर कहते हैं तो जो फ़िलासफ़ीज़ हैं जो रिलीजस इन्फ्लुंस हैं नेचुरल सब्सटेंस हैं जैसे मैंने कहा जड़ी बूटियाँ या मेडिसिनल प्लांट्स इनको कहते हैं जो कि जिनकी अंदर सेहत अफजा अज्ज़ा पाए जाते हैं या बीमारी के इलाज की शिफा पाई जाती है तो प्लांट्स में होती हैं ये या इस तरह तो वेस्टर्न मेडिसन और इनको मिला जुला के हर सोसाइटी में कल्चर जो है वो हेल्थ के हिसाब से अपना कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो उस कल्चर की तरफ से भी आती हैं और जाहिर है बाकी दुनिया में जो हो रहा है उसका भी असर होता है यानी हर जगह शदत के लिए अगर डिसप्लीन फैल गई है पूरी दुनिया में लेकिन चाइना में अभी भी वो ख़ास किस्म की टी लेते हैं जापान में लेते हैं हमारे अपने यहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बजाय एक केमिकल के या एक मेडिसिन के जो फार्मेसी से आई है इसकी मिसाल के हीलर्स किस तरह काम करते हैं सब सहारन अफ्रीका में चार टाइप के ट्रेडिशनल हीलर्स हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं इनमें ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हैं वो बाकी कामों में नहीं आते वो सिर्फ बच्चों की पैदाइश में हेल्प करते हैं जिस तरह हमारे यहाँ मिडवाइफ़ या गायनाकोलॉजिस्ट का लफ्ज़ मशहूर है तो वो बर्थ अटेंडेंट्स हैं वो बच्चे की पैदाइश में आके मदद करते हैं फेथ हीलर्स हैं जो किसी ख़ास हाल में वो फेथ हीलिंग करते हैं अपने ख़ास प्रोसीजर के ज़रिए फिर डिविनर्स एंड स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं जो कि ये असरात असेब जिसम में क्या हो रहा है जेन पे क्या हो रहा है किस चीज़ का इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है अगर तो वो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं पिछले वाक़ात आने वाले वाक़त उनको भी नज़र में रखते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें पहचानते हैं जो कि डॉक्टर्स को नहीं पता चल सकती तो ये उन कल्चर्स में ये वाले भी होते हैं ये मैं अभी अफ्रीका की बात कर रही हूँ हर्बलिस्ट यानी जड़ी बूटियों की महारत रखने वाले हर्बल मेडिसिन जो है वो एक बहुत बड़ा फील्ड अब बन गया है तो ये चार किस्म के हेल्थ प्रैक्टिशनर या केयर प्रोवाइडर अफ्रीका के हैं फिर इंडिया और पाकिस्तान में हमत का इल्म था वो बेसिकली हमत में ना सिर्फ नबस से मर्ज़ को पहचानना बल्कि फिर उसके इलाज में जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसका इल्म भी रखना मॉडर्न मेडिसन में फार्मेसी और मेडिकल डॉक्टर अलग चीज़ है लेकिन हमत में जड़ी बूटियों का इल्म और फिर मर्ज की शनाख्त और उस मर्ज का इलाज ये सब एक ही शख्स को आना चाहिए था तभी वो हकीम कहलाता था आयुर्वेदिक सिस्टम है ये इंडियन हेल्थ बिलीफ जो है उन पर बेस्ड है और इसमें भी बेसिकली वही नेचुरल मेडिसन वाला कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसन है बहुत पॉपुलर है दुनिया में और उसकी थेरी और उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं वेस्टर्न मेडिसन से और इसी तरह जो इंडिजनस हम पॉपुलेशन की बात करें उनमें शामिल्स थे जो अपने किसी तरीके से पता भी लगाते थे और लोगों को हील भी करते थे हेल्थ के बारे में जो तस्वुरात हैं कि अगर मेरी नींद ठीक है मेरा वेट मेनटेन हो रहा है मुझे कोई पेन नहीं कहीं हो रहा और कोई डिजीज़ नहीं है मुझे जिसका नाम हो कोई तो मैं हेल्थी हूँ ठीक है तो ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस में ये कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेथ जो हेल्थ है वो मैटर करती है डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एबसेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी इन्फर्मिटी होता है मफलूज होना या डिसेबल होना यानी यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट हेल्थ के कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया अब इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो ये कि हमारी रेस यानी हमारी नस्ल क्या है एज क्या है हम कहाँ रहते हैं हमारा रिलीजन क्या बताता है हेल्थ के बारे में जो कॉन्सेप्ट अबाउट हेल्थ हमारी फैमिली में है आपकी अम्मी किस चीज़ को समझती हैं कि भाई ये तो तुम बीमार हो हालांकि हो सकता है कि कोई और उसको बीमार ना समझता तो वो फैमिली के जो हेल्थ के बारे में आइडियाज़ है ना वो भी हम पे असर करते हैं तो इस सब से का जो नाम है वो एक लफज में है और वो है कल्चर तो कल्चर जो है वो लाइफ स्टाइल बिलीफ एज रेस एरिया इन सब से मिलके बनता है तो हेल्थ की कॉन्सेपचुलाइजेशन को ये बातें इन्फ्लुएंस करती हैं हेल्थ पे जो काम हुआ हुआ है उसमें एक अहम चीज़ है सोशो इकनॉमिक स्टेटस ये हेल्थ से किस तरह रिलेटेड है हेल्थ डिस्पैरिटी हेल्थ डिस्पैरिटी का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को तो बेहतरीन हेल्थ की सर्विस मैसर है और कुछ लोगों को वो इससे महरूम है और ये डिस्पैरिटी सोसाइटी में पैसे की वजह से भी होती है रंग नस्ल इलाके की वजह से भी होती है आप ख़ुद पाकिस्तान में देख लें मैं नथिया गली के हम पाथ पे चढ़ रहे थे क्लाइंबिंग में तो वहाँ मैं फिसली ली तो छोटा सा कट था कई मील जा के एक पहाड़ों से उतर के जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ से दूर नथिया गली में एक मेन हॉस्पिटल था अच्छा अभी ये मैं अपने मुल्क की बात कर रही हूँ एवरीवेयर इन अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज हेल्थ एक्सेस में डिस्पैरिटी है शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बेहतरीन डॉक्टर करीब करीब मिल जाएंगे उसी सड़क से पाँच मिनट की ड्राइव पे और एम्बुलेंस सर्विस भी होगी घर पे भी केयर प्रोवाइड हो जाएगी जबकि जैसे आप फैलते हैं तो मुल्क के अंदर हर जगह ये हेल्थ एक जैसी नहीं है अमेरिका जैसे मुल्क में उन्होंने पूरी एक अब वेबसाइट बनाई है जिसका नाम ही है कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली अप्रोप्रिएट सर्विसेज सो दिस इज़ एम्ड एट कि सबको एक जैसी हेल्थ मिले और उसका टाइटल ही है उस वेबसाइट का थिंक कल्चरल हेल्थ और वहाँ पे बहुत डिस्पैरिटी है मसलन जो अमेरिकन अफ्रीकन हैं वो अक्सर पुअर हैं वो अक्सर क्राउडेड घर में रहते हैं अक्सर उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती उनकी डेंटल हाइजीन बहुत पुअर होती है वो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रखते तो इस सब की वजह से उनके यहाँ बीमारी ज़्यादा है लेकिन वो उतना ही हेल्थ तक पहुँच भी नहीं सकते और कई दफ़ा मुझे नज़र आए अमेरिका में कि सड़क किनारे कोई बैठा हुआ है किसी बेंच पे और उसकी हालत काफ़ी बुरी है और वो कह रहा है मुझे कोई अटैक हो रहा है तो एम्बुलेंस बुलाओ तो हमें इधर उधर ढूंढ के एम्बुलेंस को ढूंढना पड़ता था और वो अक्सर ये पूछते थे कि इस बंदे की हेल्थ इंश्योरेंस है हेल्थ so, में प्रैक्टिस क्या हो रही है और कल्चर के हिसाब से उसके ऊपर क्या असर होता है वो सर्विसेज में भी होता है हेल्थ बिहेवियर में भी होता है एजुकेशन का भी हेल्थ बिहेवियर पे होता है कल्चर का भी असर होता है मसलन अच्छी खुराक खाना सुबह की ताज़ा हवा में जाना या टाइम पे सोना या आ, मुनासिब आ, लिबास पहनना और बहुत ज़्यादा अपने जिसम को अब्यूज़ नहीं करना कोई बुरी हैबिट्स हैं स्मोकिंग है या अल्कोहल है या कोई और है शुगर ज़्यादा खाना है एनर्जी ड्रिंक्स पीना है ये सब हेल्थ बिहेवियर का हिस्सा है और इसके बारे में कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है कुछ कल्चर्स में बहुत अनहेल्दी ईटिंग पैटर्नस होती हैं अमेरिका में बहुत अनहेल्दी हैं मसा बहार खाने के बाद एक बहुत बड़ा गिलास इंतहाई ठंडे पानी का वो रख देते हैं मेज़ पे जबकि मलेशिया में हमने देखा कि ठंडा पानी किसी लंच डिनर पे सर्व नहीं होता था बिकॉज दे नो कोल्ड वाटर इज़ बैड फॉर योर हेल्थ तो ये हेल्दी बिहेवियर की भी कल्चरली फ़र्क है तो ये नेशनल स्टैंडर्ड्स फ़ॉर हेल्थ है इसको देख के ही पता चलता है कि कल्चर वाइज हेल्थ जो है कैसे प्रोवाइड की जा सकती है और उसमें क्या क्या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमारे यहाँ जो एक बड़ा इन्फ्लुएंस है वो है क्लास और कल्चर का यानी हमारी जो एक ख़ास क्लास है जिनमें एजुकेशन भी नहीं है और पैसे की भी कमी है तालीम की भी कमी है उनको हेल्दी डाइट और हेल्थ के बारे में बहुत अजीब गरीब आइडियाज़ हैं वो जिस चीज़ के लिए आराम की जरूरत होती है उसके लिए वो गोली मांगते हैं जिस चीज़ के लिए एक्सरसाइज से जो दर्द ठीक हो सकता है उसके लिए वो पेन किलर लेने जाते हैं जिस चीज़ का इलाज जो है वो थोड़ी देर का रोज़ा रखने से आपका सिस्टम सेट हो सकता है उस पर वो जाके ड्रिप लगवाते हैं और ये मैं उस क्लास की बात कर रही हूँ जो एक दो जमात पड़े हुए घरों में काम करने वाले रिक्शा चलाने वाले लोग उनका हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत प्यर हैं क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत प्यर है